नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताएंगे कि एचपी या कैनन के ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर्स के टोनर कार्ट्रिज को कैसे फिलअप करते हैं। एचपी और कैनन दोनों ही मॉडल के ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर में 12A कार्ट्रिज टोनर कार्ट्रिज लगा रहता है। ये है 12A टोनर कार्ट्रिज। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि ये टोनर पाउडर है जो कि हम इसमें फिलअप करेंगे। उसके लिए ज़रूरत पड़ता है इन सभी चीज़ों का, एक पिलास, एक स्क्रू ड्राइवर और एक ये एक अहम हथियार है इसको अनलॉक करने के लिए और लॉक करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, याद रखिए। ऐसा आपको एक नुकीली चीज़ चाहिए, थोड़ा हार्ड। तो ये फिलअप इसलिए कर रहे हैं हम, ये चाहे तो आप आमतौर पे अगर आप नया ख़रीदेंगे, ख़त्म होने के बाद नया ख़रीदेंगे अगर, तो ये 3000 रुपये का आता है। और अगर आप इसे फिलअप कर लेंगे तो ये जो आप पाउडर जो है मात्र 100 से 150 रुपये का आता है। और इसे फिलअप करेंगे तो बिल्कुल उतने ही बराबर और उतनी ही अच्छी क्वालिटी की प्रिंट्स आती है, अगर आप सही तरीके से आपका हार्डवेयर है तो। तो दोस्तों, आप कई बार इसे फिलअप कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता, काफ़ी पैसा बचा सकते हैं इसे फिलअप करके अपने से। तो थोड़ा भरने का तरीका है जो वो थोड़ा टेढ़ा है, इसे ऐसा लॉक किया गया है कि आसानी से खुलता नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और उसे आप कर सकते हैं और पैसे काफ़ी बचा सकते हैं आप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले, कोई भी स्क्रूज खोलने से पहले, हम ये जो है, हाँ, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपको दिखेगा। स्प्रिंग को सबसे पहले आपको निकालना होता है। ये देखिए, हम इस स्प्रिंग को निकालते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग को ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। ये स्प्रिंग निकल गया, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को निकालना होता है यहाँ से। स्प्रिंग निकालने के बाद आप ये नट्स जो इसके हैं, स्क्रूज खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हिस्से को, इस पोर्शन वाले हिस्से को अपनी तरफ करें और यहाँ पे आपको 3 स्क्रू मिलेंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा एक यहाँ पे मिलेगा जो हमारा खोल चुका है। तो तीनों स्क्रूज को आप पहले खोलें। एक बार ये तीनों स्क्रूज खुल जाएंगे उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, हमने ये तीनों स्क्रू खोल दिया, ओके। अब खुल जाने के बाद क्या करेंगे, इस पोर्शन को पकड़ेंगे ऐसे और हल्का हल्का सेक करके इसे ऐसे निकाल देंगे, ये, ओके। निकालने के बाद, ओके, निकालने के बाद फिर हम इसे ऐसे करेंगे और करने के बाद हमें ये जो है वो निकालना है बाहर, ओके। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अपनी तरफ से थोड़ा टेढ़ा करेंगे, करने के बाद इसे खींचेंगे और ये इसे जेंटली खींच लेंगे, खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये याद रखिए, इसे कहते हैं OPC ड्रम। ये बहुत ही सॉफ्टिकेटेड चीज़ होता है और इससे ही प्रिंट्स होते हैं, इससे ही जो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट जो उखड़ते हैं वो इससे ही होते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से, इसे हाथ से न छुएं, रुई से या साफ कपड़े से छुएं, इसे अभी आप सेफली रख लें कहीं बाहर। ठीक है, फिर एक बार वो निकालने के बाद, OPC ड्रम निकालने के बाद, हमें अब ये जो है, ये जो रबड़ का रोल जो है इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी और इसके एक छोर पे ऐसे आप इसे पकड़ें ऐसे और दबाएं, प्रेस करके दबाने के बाद ये निकल जाएगा बाहर। इसे आप बाहर निकाल लें। ये आमतौर पर रबड़ होता है, रबड़ का रोल होता है जिसका ज़रूरत होता है पेपर को दबाने के लिए और खींचने के लिए, रोटेट करता है, ओके। सो इसे भी आप सावधानी पूर्वक रख लें। तीसरी बात जो है वो ये कि, तो दोस्तों, अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। अब हमें ये एक्चुअली 2 पार्ट में होता है, ठीक है, 2 पार्ट में होता है और इसे लॉक किया रहता है ताकि कोई भर ना सके इसे प्रिंट। तो इसके लिए हमको
इसका जो लॉक है वो तोड़ निकालना होगा। तो लॉक एक्चुअली जो होता है वो एक रिपीट के थ्रू होता है कि ये जो आप ये छोटा सा, इसे देखिए, जब आप इसको इसको ऐसे फैलाए रखेंगे तो दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, जब इसे खोलेंगे आप इसे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये लॉक, इसकी इसके थ्रू ये लॉक रहता है जिसकी वजह से इसे अलग नहीं होने, इसे निकालना होता है। इसे निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, इस हथियार का। ओके, आप अपना वायर या कोई मजबूत वायर टेढ़ा करके रख सकते हैं। तो ये इधर से नहीं निकलेगा, याद रखिए, इसे आपको निकालने के लिए अंदर की तरफ से इसे लगा कर और निकालना होगा वहाँ देख कर। आपको यहाँ पे आप अगर लगा कर इसे इसे अंदर और अगर पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाए, बाहर की तरफ आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हम इसे अंदर की तरफ से पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद ये देखिए बाहर निकल रहा है। और फाइनली इसे हम ये जो पिलास है इससे पकड़ के इसे खींच लेंगे बाहर, ठीक है। इस चीज़ को या फिर हाथ से भी आप अगर आए तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अब ये बाहर आ चुका है। अब जैसे ही ये बाहर आ जाए इसे आप अपने स्क्रू ड्राइवर से पकड़ के खींच लें और ये आ जाएगा बाहर। तो एक साइड का तो निकल गया ये, फिर इसे अच्छी तरह से रख लें, लॉक करने के लिए फिर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी साइड का भी ऐसे ही जो है उसे निकालना होगा आपको। देखिए हम ये दूसरी साइड का जो है रिपीट ऐसे ही अंदर लगा के और इसे पुश करेंगे तो ये ऐसे बाहर आ गया। एक बार थोड़ा सा बाहर आने के बाद उफ उफ, आप ये पकड़ के आप इसे खींच सकते हैं। ओके, ये देखिए दूसरी साइड का भी निकल दिया लॉक। अब ये लॉक निकल गया, निकलने के बाद हम इसे अलग कर सकते हैं दूसरे से खींच के। ये देखिए, देखिए दो पार्ट में हो गया ये पूरे पूरे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम अब एक हिस्से को रख देंगे और दूसरे हिस्से को पकड़ेंगे जिसमें ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, यहाँ एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इसको पकड़ेंगे, इस हिस्से को पकड़ेंगे जिस हिस्से में ड्रम है। ये ड्रम है जिसके अंदर जो इंक है वो भरा रहता है इसके अंदर। ओके, इसी के अंदर इंक भरा रहता है, जो टूनर है भरा रहता है। तो ये वाला हिस्सा लें जिसके अंदर ड्रम है, टूनर ड्रम, और इस हिस्से को पकड़ें, इस हिस्से को याद रखिए, देखिए इस हिस्से को पहचान लीजिए। और ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को आपको खोलना है, इसे खोलिए, इस स्क्रू को खोलिए ताकि इसे आप बाहर कर सकें। तो ये निकल गया आपका स्क्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे इधर अच्छे से पकड़ के और इसे बाहर निकालना है इसे को। ओके, जब बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ये बाहर मैंने निकाल दिया। और इसे जेंटली अच्छे से रख लीजिए, फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी अनलॉक करने के लिए। ये देखिए ये मैग्नेटिक ड्रम होता है, जरूरत नहीं निकालने की, इसे आप बहु लगे रहने दें। ओके, इस साइड की को निकालने की जरूरत नहीं। ये है आपका खुल गया जहाँ से आपको इंक भरने हैं, लेकिन इंक भरने से पहले आप ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इसे आप निकाल के और साफ़ कर लें एक बार अच्छी तरीके से। खींचेंगे, खींचने के बाद ये मैग्नेटिक स्ट्रिप निकल जाता है और आप इसे, इसमें जो टूनर है वो चिपके हुए रहते हैं, उसे अपने हाथों से या फिर किसी चीज़ से निकाल दें। सब जो वेस्ट टूनर्स हैं, जले हुए रेसिड्यूज़ होते हैं, उसे निकाल लें, निकाल के इसे क्लीन कर लें। ओके, इस मैग्नेटिक टूनर से, ओके, उसे सेफली रख लें क्लीन करके।
उसके बाद ये जो आपका